बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नानू का व्लॉग चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे यूट्यूबर बहन भाई फरियत होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से और मेरी फैमिली वाले सब फरियत से हैं। मेरा व्लॉग देखने से पहले अगर नमाज का टाइम है तो पहले नमाज को अदा करें, फिर बाद में व्लॉग को देखिएगा। और एक बात हमेशा की तरह नानू कहती है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को उंगली लगाएं और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक चलानी बना रहे हैं जिसको नाम देंगे नानो की चलानी, तो वो ये दिखा रही है मेरी बेटी के वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सिली है, अभी सूखी नहीं है। तो आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना इफ्तिताह कर लूँ इसका चलानी का, तो इंशाल्लाह ये मैं इफ्तिताह करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरवाजा जो था छोटा था ना, तो इसलिए बैठ के मैंने इसका इफ्तिताह किया। चलानी के हिसाब से हमने इसका फीता रखा हुआ था, तो अब ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरी चलानी बन गई है जिसमें नानो और नानो की बेटी और नानो के जो दो त्रे नवासियाँ हैं वो सारे इसमें आया करेंगे, बैठा करेंगे। इधर नानो चूल्हे पे खाना बनाया करेगी, ये चूल्हा एक थड़ा बन गया है। और यहाँ पे मेरी फैमिली जो है ना माशाल्लाह इतनी बड़ी चलानी बनाई कि यहाँ पे चटाई बिछा के तो मेरे बच्चे बैठ के खाना खाया करेंगे। फिर आप लोगों का हम हर दफा नया जो भी लाग है ना नई रेसिपी के साथ भेजा करेंगे, कोई ना कोई चीज़ नई हम बनाया करेंगे इसमें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे यूट्यूबर बहन भाइयों को ये बड़ा पसंद आएगा जो नानो की चलानी का व्लॉग जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे व्यूअर्स, यूट्यूबर बहन भाइयों, कैसे हैं आप? फ्रिया से हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल फ्रिया से होंगे। तो जैसा कि नानो ने आज इफ्तिताह कर दिया है तो आज पहली दफ़ा इधर बैठे हैं। ये एक पुराने स्टाइल या वो गाँव वाले स्टाइल के तरफ से ये इन्होंने बनाया है। कहते हैं कि आज के बाद इंशाल्लाह मोस्टली रोज़ाना आपको कोई ना व्लॉगिंग इसको होगी, कोई ना कोई चीज़ बना के तो आपसे शेयर किया करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी बैठे हैं तो अभी क्योंकि प्रॉपर सेटिंग के लिए बैठने के लिए सेटिंग वगैरह तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद वो हम लाएंगे बैठने के लिए भी। यहाँ तो छोटी सी चटाई ले आएंगे तो यहाँ, हाँ जी, तो यहाँ फिर इसके लिए कुछ कुर्सी वगैरह ले आएंगे। तो खाना शाना बनाने के लिए बाद फिर आप लोग इधर बैठा करोगे सारे आके, यहाँ भी आप लोग बैठ सकते हैं कुर्सियाँ रख के, यहाँ चूल्हा जलेगा अब आग भी सेक सकते हैं। इसकी इतनी मौज होती है, ये बड़ा बरकतों वाला होता है चूल्हा, इसी लिए पहले जमाने वैसे भी कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए उस घर में, तो इसलिए ज़्यारत करते हैं जिस घर में मिट्टी के बर्तन हों। तो इस नीयत से भी हम लाए और कोशिश किया करेंगे कि मिट्टी के बर्तनों में ज़्यादा से ज़्यादा हम खाना खाया करें पिया करें। तो इंशाल्लाह आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जिनके पास अगर कोई घर में मिट्टी के बर्तन नहीं है तो वो ज़रूर अपने घर में रखें। कहते हैं कि जिस घर में मिट्टी के बर्तन हो वहाँ उस घर की फरिश्ते ज़्यारत करते हैं, और सवाब का काम है मिट्टी के बर्तन में खाना खाना और पानी पीना, ठीक है? तो आप भी इसमें ज़रूर अमल कीजिए अपने लिए भी और हमारे लिए भी। जी आज तकरीबन नवा रोज़ है हमारी चलानी का, और आज चलानी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। नानो देख रही है, नानो कैसी लगी है? हाँ जी चलानी बहुत प्यारी बन गई है और माशाल्लाह सूख भी गई है। अब थोड़ा इसका रह गया सूखने का मरगला, तो जैसे ये सूख जाती है ना फिर इंशाल्लाह इसमें बकायदा खाने का आगाज करूँगी, और फिर इंशाल्लाह सबसे पहले मीठी चीज़ बनाऊँगी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब कि कोई नई चीज़ का आगाज़ करो तो मीठी चीज़ बनाओ। का तो काम है ना तकरीबन 8-9 दिन के ही बाद मुकम्मल हुआ है, तो आज तीसरा रोज़ है इसको कम्प्लीट किए हुए, और अल्लाह का शुक्र है थोड़ी थोड़ी आठ गई है। जी अली साहब घुस गए अंदर, अली को लग रहा है कि अली का ही राज है बस इधर, अली किसी और को आने नहीं दे रहा, जगह बन के तो बस कर रहा है हिफाजत चलाने की, किसी को और को घुसने नहीं दे रहा। ये देखो जी जो भी घुस रहा है उसको धक्का दे के बाहर निकाल रहा है। उन्होंने तो कुछ किया अपने बाहर जा। आप चलानी देख रहे हैं कि नानू की चलानी मुकम्मल हो गई है, लेकिन अभी तक सूखी नहीं है कि इस काबिल नहीं हो सके कि नानू इसमें खाना बना सके,
तो इंशाल्लाह इसको सूखने में भी कुछ दिन लगेंगे। कुछ मौसम ऐसा बना हुआ है, सर्दियों में धूप ही नहीं निकल रही। और फिर अचानक ही मुझे ना जाना पड़ गया छोटी बेटी की तरफ, तो वहाँ मुझे जाने में कुछ देर वहाँ रहना पड़ेगा, कुछ 10 से 15 दिन। लेकिन इस अरसे के दौरान जो है ना चूल वगैरह ये सारी चलानी बिल्कुल सूख जाएगी, और मेरी दूसरी बेटी जो है सहरिश ज़ारा और रिजवान मेरा बेटा जो है ये फिर इसमें चूल में खाना पका के आप लोगों को दिखाएंगे। आ भी जाऊंगी, लेकिन ये है कि मुझे कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा वहाँ रहते हुए। उधर से भी पैगाम आ रहे थे कि आ जाए वापस, तो काफ़ी दिन हो गया हमारी तरफ वो रह रही है, तो अब उसके ससुराल वालों की तरफ से भी आ रहा है, तो मैं उसको ज़रा छोड़ने जा रही हूँ। तो ज़ाहिर दूर जाना है, तो मेरा फिर वहाँ पे कोई 10-15 दिन लग जाएंगे, बहुत दूर का इलाका है ना। तो जल्दी फिर मैं फिर भी कोशिश करूँगी, मैं जल्दी आऊँ, अपने यूट्यूबर्स बहन भाइयों को मिलूँ और आप लोगों के साथ अपने व्लॉग्स जो है वो शेयर करूँ। तो इसलिए मैं नानू फिर आप लोगों को कहती है कि मेरे व्लॉग में आप लोग आना देखें आकर और सब्सक्राइब भी किया करें। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग आके आप लोगों के सामने आऊँगी और आप लोगों के साथ फिर मेरा दोबारा मुलाकात होगी। तो मेरे बार बार ये कहने पर यही है कि आप मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखते हो, मैं भी आपको याद रखती हूँ। तो अगला व्लॉग इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग आपका फिर दोबारा आऊँगी। बाद में मेरी सैरिश वगैरह ये रिजवान बच्चे वगैरह इफ्तिताह कर लेंगे, इसका इफ्तिताह तो मैंने कर दिया है, वो खाना वाना बनाएँगे और आपके साथ अपनी व्लॉग को शेयर करेंगे। तो नानो कहती है अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया अभी तक वो भी सब्सक्राइब कर ले। तो नानो अगले व्लॉग तक के लिए आप लोगों से इजाज़त मांगती है। नानो कहती है अल्लाह ने के दुआ। चलो ठीक हो गया ना? अल्लाह के दुआ।